नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा बोगज कोलीवाड़ा गांव के भारतीय ट्राइबल किसान मजदूर संघ के गुजरात अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर चेतर भाई दामजी भाई वसावा को गलत मानकर पासा के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसके मद्देनजर बीटीपी बीटीएस के कार्यकरों में काफी रोष और मायूसी का माहौल व्याप्त है, जिसके मद्देनजर चेतर भाई दामजी भाई वसावा की पासा तहत सजा को रद्द किया जाए। इस मकसद और मांग को लेकर आज बीटीपी बीटीएस के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सूरत जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। हूँ बलूचिस्तान टाइगर सेना प्रमुख उत्तम भाई एस वसावा, सूरत जिला। आज 6 तारीखे सूरत जिला में कलेक्टर श्री ने आवेदन पत्र आपवा माटे आव्या छे। अमे डेडियापाड़ा विस्तार चैतरभाई वसावा, जो बलूचिस्तान टाइगर सेना तेमज भारतीय ट्राइबल किसान संघना गुजरात अध्यक्ष छे अने बीटीपी बीटीएस में काम करे छे, अने छोटूभाई वसावा साहेब ने एसटी एससी ओबीसी ने माइनोरिटी समाज ने जे बंधारणीय लड़त चलावे छे एवा छोटूभाई वसावा साहेब ना अंदर में अमे लोको काम करीए छीए। अने आजे अमारा विस्तार नी अंदर पण जे आ चूंटायेला नेताओ जे खोटी रीते सरकार ने सरकार सीमा बैठेला लोको सामे मेरापीपणा में अमारा लोको पण खोटा पासा करीने जेल भेगा करे छे, अने बलूचिस्तान टाइगर सेना जेटला पण होद्देदारो अने कार्यकरो छे एमना पर पण खोटा केसो करीने जे जेल भेगा करवानुं सरकार काम करी रही छे। खरेखर आ सरकार ने अमे कहेवा मांगीए छीए के अमारा जे बलूचिस्तान टाइगर सेनाना होद्देदारो अने कार्यकरो फक्त ने फक्त बंधारणीय अधिकारनी लड़त चलावे छे, अने एसटी एससी ओबीसी अने माइनोरिटी समाजना जे पड़तल प्रश्नों छे एनुं निराकरण माटे अमे लड़त चलावीए छीए अने बंधारणीय लड़त चलावीए छीए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरना जे बंधारणीय लड़त छे એ અમે ચલાવીએ છીએ, એટલે ખરેખર અમારા લોકોને આ એક અવાજ દબાવવાની જે કોશિશ કરી રહી છે સરકાર અને ચૂંટાયેલા નેતાઓ દ્વારા, તો અમે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ અને ગુજરાત લેવલ પર જે અમારા એસટી એસસી ઓબીસીના માઇનોરિટી સમાજના જે લોકો છે એ ચૈતરભાઈ વસાવાના ખોટા પાસા કર્યા છે એના વિરુદ્ધમાં અમે લોકો આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે, અને આવનારા દિવસોમાં સરકાર આ ન્યાય આપે અને ચૈતરભાઈ વસાવાને જેલથી રિહા કરે એવું અમે માગીએ છીએ, અને આવનારા દિવસમાં બલૂચિસ્તાન ટાઈગર સેના કોઈ પણ રીતે જો અમારા પર ખોટા અત્યાચાર અને અન્યાય થશે તો અમારે ચલાવી લેવામાં આવવાના નથી, અને અમે લોકો એનું જલદ આંદોલન અને જલદ કાર્યક્રમ આવનારા દિવસોમાં આપવાના છે જે